हेलो गाइस, क्या हाल चाल गाइस। अब मुझे लगता है कि जेके पीएससी अब फुल मूड में है, जेकेएस प्रीलिम्स कंडक्ट करवाने में, और तैयारी जो है कैंडिडेट्स को अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि अब जो है ये फाइनल डेट जो है ये 31 जुलाई की, आप समझ लो कि ये फाइनल डेट है। जब तक कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, अब ये डेट जो है चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि आज अभी अभी ये डेफिशिएंसी लिस्ट जो है वो आउट हो चुकी है। और डेफिशिएंसी लिस्ट आउट होने का मतलब है कि अब जेकेपीएससी फुल तैयारी में है, फुल उसकी अब तैयारी चल रही है ये 31 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की। तो टोटल नंबर ऑफ जो फॉर्म्स लगे थे वो 34,000 लगे थे, आप देख सकते हो 34,126 फॉर्म्स लगे थे। जो ये डेफिशिएंसी लिस्ट है, इसमें जो 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 कैंडिडेट्स जो हैं जिनकी डेफिशिएंसी है, ज़्यादातर जो डेफिशिएंसी वो डिग्री में है, बैचलर्स डिग्री में है, जो कट ऑफ डेट होती है रिज़ल्ट की, उसमें ये डेफिशिएंसी ज़्यादातर नज़र आ रही है। उनका वो एनेक्स्चर ए में दिया हुआ है नीचे, अभी वो भी मैं बताऊँगा आपको। और मैं ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जेकेपीएससी की वेबसाइट पे जाके खुद से डाउनलोड कर सकते हो। तो जो लास्ट डेट है, जो अगर आपकी आपके फॉर्म में कुछ भी कोई भी डेफिशिएंसी है, अगर आपकी डिग्री में कोई डेफिशिएंसी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप 8 जुलाई तक वो डेफिशिएंसी अपनी फुलफिल कर सकते हो। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसलिए पूरे ध्यान से इस एप्लीकेशन को पढ़ो, इस नोटिस को पढ़ो, और देखो आपका नाम है। अगर नाम नहीं है तो बढ़िया है, आप अपनी तैयारी में पे फोकस रखिए, और अगर नाम है तो 8 जुलाई से पहले पहले जो भी डेफिशिएंसी है उसे फुलफिल करिए। तो अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है 31 जुलाई को, तो ये पूरी पूरी तैयारी दिख रही है जेकेपीएससी की, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम्स अगर रेगुलरली हों तो मज़ा भी आता है, पूरे टाइम पे हो अपने तो कंप्लीट करने में भी मज़ा आता है। फिर बीच में कुछ ना कुछ अगर ऐसे हर्डल्स आ जाएँ तो फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है। तो गाइज़ अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए नीचे जो है, यहाँ पर देखिए ये सारे सारे नाम दिए हुए हैं जिन जिनकी डेफिशिएंसी है। टोटल जो ये नाम है ये 220 कैंडिडेट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी है। तो आप जाकर ये डाउनलोड कर सकते हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज़ मैं अभी एक और बात आपसे करना चाहूँगा। गाइज़ जैसा कि आपको पता है कि हमारे J&K में आए दिनों कुछ ना कोई बवाल होता रहता है, और ख़ासकर जो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वैसे ही बहुत कम है, और जो जो भी नोटिफिकेशन निकलती है अगर उस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर और भी ज़्यादा हरासमेंट और फ्रस्ट्रेशन जो है वो कैंडिडेट्स की हो जाती है। अब जो आज जो ये खबर आई है कि जो SI की जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था, जो JKSSB पुलिस SI का जो एग्ज़ाम हुआ था, अब उसमें ये बात निकल के सामने आ रही है कि जो कैंडिडेट्स थे, जो भी जो जांच समिति है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो जो है वो जो कमेटी फॉर्म हुई थी, उन्होंने करीब करीब जो टॉप 100 कैंडिडेट्स हैं उनसे बात की, और उनसे कुछ क्वेश्चन किए, उनसे सवाल किए। जो क्वेश्चन उनके जो सही थे, यानी जो वो कैंडिडेट्स जो सही क्वेश्चन करके आए थे कि पेपर में, जब उनसे उन क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया, तो वो अपने वो सही जवाब देने में कामयाब नहीं हो सके, यानी वो सही जवाब नहीं दे सके। यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ये शक पैदा करती है। इस जांच समिति समिति का कहना है कि ये चीज़ जो है ये डाउट क्रिएट करती है कि अगर जो जो टॉप 100 कैंडिडेट्स हैं, और अगर 50-60 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सही तरीके से जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि उनके वो जवाब जो हैं वो पेपर में सही, क्वेश्चन OMR में उनके सही हैं, लेकिन जब उनसे ये डायरेक्टली उनसे पूछा गया, वर्बली पूछा गया, उनसे उनसे सवाल जवाब किए गए, तो वो सही जवाब दे नहीं पाए, और सही जवाब देने में वो फेल हो गए। तो अब ये जो है ये शक ज़्यादा पैदा करती है। जो जांच समिति है वो अब इस केस को जो है वो CBI को या किसी हायर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देने की तैयारी में है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसमें और ज़्यादा गड़बड़ी पाई गई, और अगर ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई कि इसमें घोटाला हुआ है, तो ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो सकता है। हालांकि ये बात जो है, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो बेचारे अपनी मेहनत से जिन्होंने अच्छा रैंक लिया है,
जिन्होंने 110 120 मार्क्स अपनी मेहनत से लिए हैं उनके लिए तो ये बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि अब वो बेचारे फिर से उनको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब किया क्या जा सकता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि करप्शन तो करप्शन होती है। अब अगर करप्शन हुई है तो फिर वो तो पूरे पूरे कितने कैंडिडेट्स की हुई होगी, अब 100 कैंडिडेट्स इन्होंने पकड़े और उसमें से 50-60 जो हैं नाकामयाब रहे सही जवाब देने में, तो अब क्या बोला जा सकता है इस पर। ठीक है, अब ये खबर है यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ लिखी है, और कई की भूमिका संदिग्ध। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, जांच समिति ने पहले 100 स्थान हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया, ज़्यादातर नहीं दे पाए सही जवाब। तो इनसे पूछताछ की गई थी, ठीक है, लेकिन फिर वो सही जवाब देने में नाकामयाब हो गए। और इसमें कुछ पुलिस वाले भी हैं, ठीक है, कुछ रिटायर्ड अफसर हैं जो कि जिन पर शक है और जिन्होंने ये सारा जो है इसमें जो भी ये धांधली हुई है उसके वो कहीं ना कहीं वो भी उनका हाथ था इसमें। तो अब ये कनेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता जा रहा है और इसमें कई सारी चीज़ें जो है निकल के सामने आ रही हैं। पर मेरी जो है वो सिंपथी उन कैंडिडेट्स के साथ है जो कि जेन्युइन है, जो बेचारे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, लेकिन जो ये धांधली करने वाले हैं उनकी वजह से उन्हें भी भुगतना पड़ेगा और फिर से वो उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन क्या किया जा सकता है, जस्टिस तो ऐसी ही होती है और जस्टिस के सामने सबको झुकना पड़ता है, हमारे कानून के सामने और हमारे लॉ के सामने सबको झुकना पड़ता है। तो गाइस फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है, और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और आने वाले दिनों में हो सकता है JKSSB एक नया एग्ज़ाम कैलेंडर इशू करे, तो अपना होप जो है वो लूज़ मत करिए और तैयारी रखिए अपनी कंटिन्यू। थैंक यू।